राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या का आक्रोश सिद्धार्थनगर जिले में देखा गया। आज जनपद में जगह जगह हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर पैदल मार्च निकाला। आक्रोशित भीड़ ने पैदल मार्च के दौरान राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि कन्हैयालाल के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इस घटना से सारा हिंदू जनमानस आहत है। यूपी सरकार की तरह कानून व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ योगी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी तरह की घटना को अंजाम दे सके। हम लोग ज्ञापन दिए हैं हिंदू युवा वाहिनी जिला कार्यकारी सिद्धार्थनगर के तरफ से। जो घटना राजस्थान में हुआ उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी के ऊपर, रियाज गौस मोहम्मद जिस तरह से निर्मित हत्या, एक जिस तरह से हत्या हुआ है, ये हत्या ये चीज़ को दर्शाता है कि ये ISI के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। आज एक गरीब अपना जीविकोपार्जन चलाता था, उसके दुकान में जाके घुस के और इस चीज़ को कहा गया कि हमारा कपड़ा सिल दीजिए। उसके बाद जो हो उसकी हत्या, 200 चाकुआ मारा गया, उसकी गला रेत के हत्या कर दिया गया। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से हिंदुओं में आक्रोश है, उस पे हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। अगर उसका हिंदू युवा वाहिनी इस बात को चाहती है कि उसका उसको पकड़ा ना जाए, पकड़ के उसकी फांसी हो, ये हिंदू आवानी के कार्यकर्ता समस्त हिंदू जनमानस इस बात को की इच्छा है। हत्या की वजह क्या रही? हत्या की वजह क्या था? कुछ नहीं था। अरे एक पोस्ट उसने कन्हैयालाल ने कर दिया, उसके लोगों ने कर दिया। पोस्ट करने के बाद उसकी निर्मित हत्या, तो ये साजिश है, ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि हिंदुओं पे हमला किया जाए। अगर राजस्थान में जिस तरह से निकम्मी सरकार है, आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यहाँ किसी अताताई की न किसी आतंकवादी की किसी की हिम्मत जरूरत नहीं है जो इस तरह से कदम उठा सके। क्योंकि यहाँ पूज्य महाराज जी का नेतृत्व है और यहाँ के वो CM हैं। आज राजस्थान में बताइए, एक नीपुर शर्मा जी के इस तरह से एक पोस्ट कर देने पे हत्या उसकी कर दी जाती है, तो क्या दर्शाता है? इसी यही दर्शा रहा है कि हिंदुओं को, मैंने हिंदुस्तान में अगर इस तरह से घटना होता है तो बहुत शर्मनाक घटना है। इस नाते देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।